देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। बीकानेर के नोखा में इंदिरा कॉलोनी मोहल्ला विकास एवं संघर्ष समिति और समस्त मोहल्ले वासियों के द्वारा पुराने रास्तों को दोबारा खुलवाने और मोहल्ले के विकास में बाधक बन रहे रोडवेज विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही संभागीय आयुक्त जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रोडवेज की दीवार के पास बने पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंक को अन्य स्थान पर व्यवस्थित करवाने की मांग रखी गई। सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने नवलगढ़ रोड जिला कांग्रेस का कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो राहुल गांधी के साथ किया है वह गलत है, पूरा देश इस मामले को देख रहा है। तो वहीं उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल पर कहा कि यह अच्छा बिल है और जनता के हित में है। पिछले दिनों से कि किस तरीके का रवैया संसद के अंदर जो चल रहा है पूरा देश देख रहा है। एक सबसे छोटी ग्राम पंचायत होती है हमारी, उसमें पंच होते हैं, पंच अपने विचार व्यक्त करते हैं, फिर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होता है, उन सब की बात सुनी जाती है, माने या नहीं माने। उसके बाद में चाहे पंचायत समिति होती है, वह पंचायत समिति मेंबर्स अपने विचार रखते हैं, जिला परिषद होती है, नगर निगम नगर पालिका होती है, उसमें पार्षद होते हैं, फिर विधानसभा होती है, तो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक अपने अपने विचार रखते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, जनता के मुद्दों को वहाँ प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा कि राजस्थान विधानसभा चलती है तो हमारे माननीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी पक्ष और विपक्ष दोनों की बात पूरी सुनी जाती है और सुनकर के उसका समाधान तक करवाते हैं। हम एक तो राजस्थान के अध्यक्ष बोले, दूसरा संसद होती है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा, तो आप सोचिए वहाँ पर भी हमारे ही देश के जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते, राज्यसभा सांसद होते, चुने हुए सांसद होते, वो अपनी जनता की बात को संसद में रखने का एक हमारा अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है अपनी बात को रखने का। उस अधिकार को भी किस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी जी सम्माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद के रूप में वो अपनी बात को संसद में रखना चाहते हैं। सरकार, भारत सरकार माने नहीं माने, वो मायने नहीं रखती है, लेकिन एक विचार व्यक्त करना कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उस बात को सुना जाए, और बोलने का अधिकार तो सबका है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से संसद के अंदर उनकी बातों को डिलीट किया जाता है, उनकी बात माइक बंद कर दी जाती है, और अपनी बात रखने के उस पे किस तरह से उन्हें संसद से सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो पूरी बातों को सुने बिना एक ही जो हमारा भारत देश लोकतंत्र कहलाता है, जनतंत्र कहलाता है, पूरे वर्ल्ड में इसका उदाहरण है। आज से पहले चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन संसद का जब भी कोई प्रतिनिधि अगर विदेश में भी जाता था तो वो अपने देश की हित में बोलता था, देश की बात करता था, ना कि किसी पार्टी की बात करता था। राजसमंद के राजनगर थाना इलाके में जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने भू माफिया गिरोह के सरगना समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने परिवार की जमानत कराने के नाम पर बुजुर्ग की 25.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। भीलवाड़ा के मांडल आरोपी पर उखड़ी सड़क के चलते बाइक पर सवार भाई बहन अनियंत्रित हो गए और तेज गति से आ रही पिकअप की चपेट में आ गए, जिसके चलते 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भीड़ ने मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 158 मांडल ब्यावर मार्ग पर जाम लगा दिया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी शहर में शाकंभरी मार्ग पर ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री में सड़क बनाने का आरोप लगाया है और ठेकेदार द्वारा सड़क में नहीं तो पॉलिथीन लगाई जा रही है और ना ही लोहे के सरिये डाले जा रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। निर्धारित सेंटर से सड़क नहीं डालने से लोगों में भारी आक्रोश है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लूणी थाना क्षेत्र के फींच गांव में 4 दिन पहले लापता नाबालिग की बॉडी सोमवार को पानी के टांके में मिली। सूचना मिलने पर लूणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए MDM अस्पताल भेजा। परिजनों ने नाबालिग का किडनैप कर हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी। मीडिया से बातचीत में कहा कि चित्तौड़गढ़ का कर्ज तो मेरे जीवन भर रहेगा, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को 2-2 बार सांसद बनाया, आज प्रदेश अध्यक्ष बनने का गौरव मुझे भी मिला है। चित्तौड़गढ़ की धरती को मैं जितना नमन करूं उतना कम है। चित्तौड़ का तो कर्ज मेरे जीवन भर रहेगा, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को 2-2 बार सांसद बनाया और आज
मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी मुझे गौरव मिला है। तो चित्तौड़ की धरती को, इस वीर भूमि को जितना मैं नमन करूँ उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो स्नेह सहयोग और आशीर्वाद दिया वो जीवन भर मैं नहीं भूल सकता। और मैं प्रयास करूँगा इन सब लोगों के सहयोग से, इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में पूरे राजस्थान में इनके आशीर्वाद से पार्टी की मजबूती देने का काम करूँगा, ये जरूर मैं विश्वास है। मानसून में बिजली लाइन की चपेट में आने से की युवक की मौत हो गई। युवक थ्री व्हीलर लेकर अपने खेत में जा रहा था, इस दौरान रास्ते में बिजली लाइन के थ्री व्हीलर टच हो जाने से चपेट में आ गया। वहीं युवक की मौत होने पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कोटपुतली बाईपास स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से आक्रोशित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धर्मशाला में बैठक कर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलते हुए प्रधानमंत्री को हिटलर शाही राज बताया। इस मौके पर अनेकों कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। देश के अंदर सेंटर सरकार, बीजेपी सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही, अपना करके जो निर्णय किए जा रहे हैं ये देश के हित में नहीं, देश के लिए बहुत ही घातक और सोचनीय विषय है। आज किसी भी को स्वतंत्रता नहीं है, हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और हमारे कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता लोकसभा की निरस्त की गई है, ये बहुत इलीगल तरीके से एक सोची समझी चाल लेकर के ये कृत्य जो किया गया है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और राहुल जी ने क्या क्या कसूर था, राहुल जी ने तो यही तो बताया मांगा था कि मोदी जी और अडानी जी के क्या रिश्ते हैं और 20 करोड़ रुपया जो मोदी अडानी की कंपनी में जो लगा है वो पैसा कहाँ से आया है, ये बातें सबको पूछने को स्वतंत्र है। वो तो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, वो पूछ सकते हैं, आम जनता भी पूछ सकती है। उस बात को लेकर के राहुल गांधी जी की जो लोकसभा की सदस्यता निरस्त की गई है, उनको 2 साल का कारावास सुनाया गया है, उसके विरोध के अंदर हम आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राहुल सिंह की तरफ से कैंडल मार्च करके उसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक राहुल जी की सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी, कांग्रेस संसद से लेकर के गांव के चौपाल तक ये संघर्ष करेगी और मोदी की ये जो घिनौनी हरकतें हैं, जो तानाशाही जो रवैया अपना रखा है, इसका हम विरोध करेंगे। निर्देश पर पूरे भारत के अंदर जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई है उसमें हम 1 तारीख से 8 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें प्रेस वार्ता है, कैंडल मार्च है, नुक्कड़ सभाएं हैं। इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार कर रहे हैं ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें और जो तानाशाही सरकार है उसकी सच्चाई हम सबके सामने ला सकें। इसी के अनुरूप आज हमारे PCC के उपाध्यक्ष परशुराम जी, चेयरमैन साहब, सब साथ में मिलकर कैंडल मार्च हमने निकाला है और आगामी प्रोग्राम हमारा नुक्कड़ सभा का रहेगा। डूंगरपुर में जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता थी, जिसका मैसेज ग्रुप मेंबर्स को मिलने पर टीम रॉयल की सोशल मीडिया ग्रुप टीम ने तत्काल डोनर से संपर्क किया, जिस पर 3 रक्तदाता ब्लड बैंक पहुंचे और रक्तदान किया और मरीज की जान बचाई। झालावाड़ के सारोला कस्बे में भगवान महावीर की जयंती पर कस्बे में निकाली गई शोभा यात्रा, व्यापारियों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। शोभा यात्रा में झूमते गाते भक्तों ने खूब जयकारे लगाए। झंडा बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, इस दौरान भक्त बैंड, DJ व भांगड़ा की धुन पर खूब थिरके। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पातली गाँव में 8-10 युवकों द्वारा युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूत्रों के अनुसार हत्या पुरानी रंजिश को लेकर हुई है। वहीं हत्या के बाद राजपूत समाज और करनी सेना के लोगों ने मोर्चरी में एकत्रित होकर हमलावरों की गिरफ्तारी एवं युवक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। घटना कल शाम की है। विक्रम सिंह जी चुंडावत करके हैं, जो अपने यहाँ पे पातली गाँव के रहने वाले हैं। गाँव के बाहर एक किराया बना हुआ, उस किराए के पास वो घायल अवस्था में अपने परिजनों को मिले थे। कल ये 8-9 बजे के बीच की घटना है। इसके बाद परिजन उनको हॉस्पिटल डूंगरपुर लेके आए। डूंगरपुर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो बताया जा रहा है कि इसके अंदर परिजन और ये बता रहे हैं कि करीब 10-12 लोग हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। हमारी पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई, राउंड अप किया जा रहा है। अभी कोई एप्लीकेशन आई नहीं है, जैसे एप्लीकेशन आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। श्रीगंगानगर में अशोकनगर B से निकाली खाटू श्याम जी की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई।
ध्वजा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु नाचते गाते शहर के मुख्य मार्ग मीरा चौक अग्रसेन चौक से होते हुए खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में पहुंचे। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही श्रद्धालु बाबा के समक्ष माथा टेक कर अपनी अपनी मन्नतें बाबा से मांगी। सीकर शहर के बद्री विहार में गाड़ी में सवार आए चार बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस किया जब्त। पुलिस घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी है। भैरोड़ विधायक बलजीत यादव ने टोंक जिले के रेवाई में सैकड़ों युवाओं के साथ काले कपड़े पहनकर लगाई दौड़। युवाओं ने फूल मालाओं के साथ बलजीत यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बलजीत यादव ने बताया कि निवाई 156 विधानसभा है और 200 विधानसभा में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा लूंगा, विभिन्न मांगों को लेकर लगा रहे हैं दौड़। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मुलाकात होंगी कुछ और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।